हैं आज के सुहाने दिन के लिए। मैं समझता हूँ वैसे तो हमारी जिंदगी का हर दिन बहुत खास होता है, क्योंकि उस खास दिन में खुदा हमें सांस देता है। लेकिन आज का जो दिन है वो सब दिनों से आला अबतर है कि आज मसीह ने मसलूब होकर हमें सबसे पहले माफ किया, फिर नजरा दी। कलामे मुकद्दस में से लूका कलामे मुकद्दस में से देखेंगे 23 उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलामे पाक का पढ़ा और सुना जाएगा हम सब होकर के भाई से बन जाए। आमीन। मैं अभी भाई ने बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए खुदा के वसीला से, खुदा के वसीला से, कि बेसिकली ये जो सेवन सिंह है बेसिकली जो सेवन सिंह है ये कंप्लीट जजमेंट है और इसकी एक अपनी अथॉरिटी, एक अपनी वैल्यू है। और अगर हम निजात के कॉन्सेप्ट में जाएं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान कनी की हालत में, दर्द की हालत में उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दौर में होगा। और यहाँ पे हमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो टू एलिमेंट्स हैं, नजात का, सेल्वेशन का, और एक ईमान का भी एलिमेंट मिलता है जो हमें उस डाकू में नजर आता है। क्योंकि वो डाकू जान चुका था ये मसीह है जो नजात देगा, जो खुदा का बेटा है। अगर जजमेंट की कॉन्सेप्ट में जाएं कि मैं ये समझता हूं कि ऊपर खुदा है, सलीब है दरमियान में, और हम यहां माफी मांग रहे हैं, और मसीह जो हमारा बाप के दरमियानी बना उसने हमें नजात दी। नजात ये महज हमारे गुड एथिक्स की वजह से नहीं है, ये उसका फजल है। इसके लिए हम हवाला देखेंगे तीतुस उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत। तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पदाइश के गुस्सल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। ऊपर खुदा है, मसीह दरमियानी है, और इस जहान में मसीह ने कहा कि मैं अपना रोल कुदस तुम्हें दिए जाता हूं, वो हमारा मददगार हमें उसने दिया। यहां पे हम देखते हैं कि नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। ये यहां पे नजात का वर्ड जो इंग्लिश में यूज हुआ है रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन वर्ड, और नजात की एक अपनी थियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है और इसकी एक अपनी डॉक्ट्रिन है थियोलॉजी के कंसर्न में। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ रिडेम्पशन की, और रिडेम्पशन को अगर रिडेम्प्टिव यूज यहाँ किया गया है तो रिडेम्प्टिव मतलब अता करना। उसने हमें नजात अता कर दी, उसने हमें फजल के वसीला से नजात दे दी। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने मसीह के वसीला से जो हमें नजात दी, उसने सलीब पर जान करने की हालत में, दर्द की हालत में, मैं समझता हूँ आज कोई शख्स खुद जब दर्द में हो, पाकिस्तान में वैसे ही, वैसे तो ओवर द वर्ल्ड ही जो है लिविंग कॉस्ट जो है इंक्रीज हो चुकी है आफ्टर कोविड, तो पाकिस्तान तो वैसे ही ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे लिविंग
कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है। तो जब हम इंडिविजुअली अगर देखते हैं, अगर हम खुद ही एक दर्द में जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो हाउ वी कैन हेल्प टू अदर्स। बट यहाँ पे हम देखते हैं मसीह ने दर्द में कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। लेकिन डाकू ने नजात पाई कैसे? ईमान के वसीला से। मैं ये समझता हूं कि इस जो महंगाई का दौर है, स्पेशली हम जब देखते हैं, स्पेशली जब हम दुआ करते हैं या कलाम पढ़ते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं खुदावंदा मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। लेकिन हमने ये नहीं दुआ की कि खुदावंद मैंने नजात पानी है, मैं तेरी नजात के का प्यासा हूँ, मैं तेरे कलाम का प्यासा हूँ। या हमने कभी ये दुआ में भी कुछ लोग करते हों, लेकिन जो परसेंटेज है वो कम होगी। मे भी हम ये दुआ नहीं करते कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे यीशु, मेरे बच्चे को शफा का तजर्बा दे, मेरे बच्चे को दुआ का तजर्बा दे, मेरे बच्चे को नजात का तजर्बा दे। हमें ज़रूरत है कि हम इस वक्त में जहाँ पर रहते हैं, और इसके अलावा हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की ईमान की मजबूती के लिए भी दुआ करें, और उस ईमान के वसीला से आगे वो निजात पाए। तो निजात खाली ये नहीं है कि हम दुनिया में रहते हुए, जैसे अभी हमने काफी प्रॉब्लम अपने एरिया में पानी की वजह से टॉलरेट की, तो हमें ये नहीं दुआ करनी कि पानी ज्यादा आ जाए और हमें इस चीज से निजात मिल जाए कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये दुनिया में रहते हुए प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, और स्पेशली पाकिस्तान में करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ऑब्वियसली एशिया के काफी और ममालिक भी हैं, बट ये नजात मैं बात कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरह अभी साइमन भाई बता रहे थे कि हमने स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में जाना है, और जो मैं अभी ये रात को जब स्टडी कर रहा था, तो मैंने काफी मेरे उस्ताद कहते होते हैं जब ये साहब के काफी गहरे में चले जाते हैं, तो मैं बड़ा गहरे में चला गया था, तो इतना गहरे में चला गया तो मैंने ये काफी भाइयों ने भी स्टडी किया होगा कि दुनिया में कोई और ऐसा मजहब नहीं है कि जिसके बानी ने अपने पैरोकारों के लिए जान दी, कि उसने कहा हो कि मैं अपनी जान दे रहा हूं तुम लोगों के गुनाहों की। तो मसीह इस जहान में सबसे बढ़कर मोहब्बत, माफी, नजात हम देखते हैं। तो ईमान और नजात को अपनी जिंदगी में वेलकम करें आज इस कलमा के वसीला से, और स्पेशली पर्टिकुलरली अपनी फैमिली के लिए नजात को मांगें। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों के लिए दुआ करें, सबसे पहले अपने घराने को आप सीधा करें, फिर दूसरों को आप दूसरों के लिए दुआ करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से।